प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। सो रक्त के जलीय भाग को हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि जलीय भाग प्लाज्मा। आज हम जल के कणकीय भाग को पढ़ेंगे। क्या जल के कणकीय भाग को पढ़ेंगे। इसमें पहला है लाल रक्त कणिका। क्या लाल रक्त कणिका, रेड, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब सामान्य जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो लाल रक्त कोशिका है, इसको अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको लगभग लगेगा ये पीला दिख रहा है। क्या पीला दिख रहा है, लेकिन जब समूह में देखेंगे, क्या समूह में जब देखेंगे तो ये क्या होगा, लाल होगा। और लाल किस कारण होगा। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन हम लोगों ने देखा है प्लाज्मा में। हीमो ये क्या है, हीमो कह सकते हैं आयरन युक्त तत्व है, ठीक। इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर आयरन की कमी नहीं है तो आपके शरीर में क्या ब्लड की कमी नहीं होगी। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो जीवन हो ही नहीं सकता। क्या काम है ये कह सकते हैं, इसका उदाहरण हम से समझें इसको, ये एक ऐसा मान सकते हैं व्यक्ति या कुछ भी मान लें, जो दिन भर दौड़ता रहता है। और दौड़ते समय क्या करता है, ये सभी को समान बांटता है। क्या हीमोग्लोबिन क्या करता है, दौड़ते समय सभी को समान बांटता है। कौन सा सामान, खाने का, कोई भी हो सकता है खाने का। अब अगर ये दौड़ रहा है शरीर में दौड़ रहा है तो शरीर को क्या चाहिए खाना में, स्पेशली चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये पूरे शरीर में दौड़ कर सभी कोशिकाओं को क्या देता है, ऑक्सीजन देता रहता है। सभी कोशिकाओं तक दौड़ दौड़ के जाएगा और सबको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अब क्यों, कैसे देता है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, एक तुरंत जाके हीमोग्लोबिन के साथ से कर लेता है, गले मिल जाता है और कहता है अब हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, अब तुमको लेकर जाना है कहाँ तक, हमें हर कोशिका तक लेकर जाना है। और जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या ऑक्सी प्लस हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और पूरे शरीर में दौड़ दौड़ कर सभी कोशिका तक पहुँच कर सभी को क्या देता है, रक्त सभी को पहुंचा देता है, जिससे सभी क्या काम करते रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, हीमोग्लोबिन के बारे में। अब इस रक्त जो कणिकाएं हैं, क्या रक्त जो कणिकाएं हैं, इनको आप जब देखेंगे ना तो ये जैसे कैसे लगेंगी, देखने पर अगर हम देखें इनको तो ये कभी आपने आकार इनका इस तरह होता है। क्या इस तरह होता है। अब इनको याद करने का तरीका क्या, ये किस तरह लग रही है, किस तरह आपको लग रही है, बालूशाही खाया कभी ने, कभी क्या बालूशाही खाया, बालूशाही की तरह लग रही है। या इसको हम कहते हैं उभयातल। क्या उभयातल कहते हैं। अब इससे पूछिए कि ये बीच में गड्ढा क्यों हो गया, अब इसी के बगल अगर हम चित्र बना दे फिर देखते हैं, ऐसा हमने चित्र बना दिया। क्या ऐसा बिल्कुल सीधा। अब ऐसा जब चित्र आप बनाएंगे ना तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। ये इधर से भी दबी होती है
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये जो रक्त कणिका है इनकी क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। अब क्षेत्रफल जब अधिक हो गया, ये इसका क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो क्या होगा, ये अधिक से अधिक क्या, अधिक से अधिक ऑक्सीजन को पकड़ सकता है। अब जब क्षेत्रफल ही नहीं रहेगा इसका, तो ऑक्सीजन को कहाँ पकड़ेगा, जब जगह ही नहीं है तो कैसे पकड़ोगे, अब हाथ, आप हाथ पैर नहीं तो किसी को कैसे पकड़ोगे आप। तो ये कह सकते हैं ये आकार इसका इस तरह होता है कि इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और ये किसको, ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ता है, क्या, ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ता है। आगे चलें, अब इसको देखेंगे ना, ये जो क्या रक्त कोशिका है, क्या रक्त जो कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, इसमें एक एक को लें, केवल इस वाले को, एक रक्त कोशिका लीजिए, क्या आर और बी सी, एक आरबीसी को लीजिए, एक आरबीसी में आप कल्पना करिए कितना होमोग्लोबिन होगा, एक आरबीसी की बात कर रहा हूं, एक आरबीसी 28 करोड़, क्या 28 करोड़ होमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी 28 करोड़ एक में पाया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए पूरे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी है, क्या, चलो ये भी देख लेते हैं कितनी संख्या है, पूरे शरीर में लगभग आरबीसी की संख्या 30 ट्रिलियन है, क्या 30 ट्रिलियन है, क्या 30 ट्रिलियन है, ठीक है, और एक आरबीसी में 28 करोड़ क्या है, हीमोग्लोबिन है, अरे बाप रे बाप, अब आप क्या, अब गुणा भाग कर लीजिए कि कितना होमोग्लोबिन है आपके शरीर में, और हर समय खटखट खटखट चलता रहता है, हर समय खटखट खटखट चलता रहता है, ठीक है, ये हमने देख लिया होमोग्लोबिन आरबीसी और इनकी संख्या देख ली। अब और कुछ देखते हैं इसमें, अब ये जो कोशिका तो है, क्या ये रक्त कणिका एक कोशिका है, क्या रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, अब इसमें देखते हैं, इसको ये इसको इरेज कर लीजिए, इसी को देखना है। अब इसमें देखेंगे ना, तो कोशिका में हम लोगों ने क्या देखा है, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, क्या बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे ना कोई अंगवी नहीं है, क्या कोई अंगवी नहीं है, यानी कि इसमें ना तो केंद्रक है, क्या केंद्रक नहीं है बिल्कुल, यमती यानी कि माइटोकांड्रिया नहीं है इसमें, और ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं है, अरे बाप, राइबोसोम भी नहीं है, क्या राइबोसोम भी नहीं है, गॉल्जी बॉडी भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन है आपका, कुछ रहेगा, गॉल्जी बॉडी भी नहीं है, तो इसके पास है क्या, कुछ नहीं है इसके पास। अब ये क्यों नहीं है, इसको शौक है कि अपना अच्छा अच्छा चीज सबको दूसरों को दे, मैं कुछ नहीं लूंगा, शौक नहीं है इसको, लेकिन इसने कुछ, इसे कुछ काम करना है स्पेशल, तो इसने सारे सामान को बाहर निकाल दिया कि मैं नहीं लूंगा, क्या काम करना। अब ये सब अगर सामान इसमें भर दोगे तो जगह इसमें बचेगा नहीं, जगह बचेगा, अब जब जगह नहीं बचेगा तो होमोग्लोबिन कहाँ रखा जाएगा, होमोग्लोबिन कहाँ हो रहेगा, और होमो और अब ये सब रख दोगे तो क्षेत्रफल भी तो कम हो जाएगा उसका, तो होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ रखेगा, तो इसलिए इसमें ये सब नहीं है। और दूसरा कारण क्या होता है, इसका विभाजन तो होता नहीं है, क्या कोशिका का विभाजन नहीं होता इस कोशिका का, तो इसलिए भी ये अंग कोई जरूरत नहीं है, क्या इस अंग की कोई जरूरत नहीं रहती है इसलिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये केंद्रक नहीं है, ठीक, तो केंद्रक के बारे में एक पॉइंट यहाँ देखिए, जितने भी स्तनधारी हैं, क्या स्तनधारी जितने भी जीव हैं उनमें, उनके ब्लड सेल में क्या कोशिका केंद्रक नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या ये याद रखना है, लेकिन कुछ अपवाद हैं पृथ्वी पर, चारों तरफ अपवाद हैं, चारों तरफ अपवाद आपको मिलेंगे, तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं, देख लीजिए, अपवाद है ऊंट, क्या ऊंट और लामा, एक लामा जानवर है, लगभग भैंसे की तरह होता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता, इन दोनों के ब्लड में केंद्रक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये जो स्तनधारी जीव हैं इनमें सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है, जितने भी जीव हैं, क्या जितने भी जीव हैं सब में देखेंगे तो सबसे छोटी जो आरबीसी है वो किसमें पाई जाएगी, स्तनधारी, क्या स्तनधारी में, हम ही लोगों में सबसे छोटी, ठीक है,
सबसे छोटी हम ही लोगों में पाई जाती है। और हम लोगों में देखें कि कौन है ऐसा जानवर जो बहुत छोटा पाया जाता है, क्या बहुत छोटा। एक जानवर है मास्क डियर करके, उसमें सबसे छोटी क्या सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक, अब अगर सबसे बड़ी आरबीसी देखें किस में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एम्फीबियन, क्या एम्फीबियन एम्फीबियन है उनमें सबसे बड़ी पाई जाती है, क्या सबसे बड़ी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बताइए कि मछली में, चिड़िया में, चिड़िया और एम्फीबियन, ये जो जीव हैं इनके रक्त में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रक पाया जाता है, केवल स्तनधारी की बात हो रही है, स्तनधारी के केंद्र आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें दो अपवाद भी हैं, क्या दो अपवाद भी हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, क्या और आगे चलते हैं, और क्या पॉइंट इसके बारे में, आरबीसी के बारे में हम लोगों को जानना है। अब आरबीसी की आपको क्या करना है, संख्या नापना है, क्या संख्या या उसका मापन करना है। तो कैसे करोगे, चलो करते हैं। एक मशीन है, क्या आरबीसी की अगर संख्या नापनी है तो एक मशीन है, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, क्या हीमोसाइटोमीटर, क्या हीमोसाइटोमीटर, इससे आरबीसी की संख्या, साइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, क्या हीमोसाइटोमीटर से संख्या मापी जाती है। अब एक शब्द और आता है इसी संदर्भ में, उसको बोलते हैं जैसे, इसे तो संख्या नापी जाएगी, संख्या गिनी जाएगी कितनी संख्या है, क्या कितनी संख्या किसकी है, आरबीसी की कितनी संख्या है। और एक आता है माइक्रोलीटर, क्या माइक्रोलीटर, एक यूनिट है, आप मानिए इसको माइक्रोलीटर एक यूनिट है, इससे भी समानता दरों का माप, इसका आरबीसी का मापन किया जाता है। अब एक माइक्रोलीटर में अगर देखें, क्या एक माइक्रोलीटर में, क्या एक माइक्रोलीटर में देखें तो 66 लाख, क्या 66 लाख आरबीसी पाई जाती है, क्या 66 लाख क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या। अब ठीक है, इतना तो पाया जाता है एक सामान में, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जाएगा, पुरुष में कितना पाया जाता है एक माइक्रोलीटर में, स्त्री में कितना पाया जाता है, ये पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या इसको हम लोग देखते हैं, क्या इसको हम लोग देख लेते हैं। एक माइक्रोलीटर का मतलब होता है कि एक लीटर का कितना, 10 लाखवां भाग, क्या एक माइक्रो लीटर का मतलब क्या होता है, एक लीटर का 10 लाखवां भाग, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर 100 माइक्रो लीटर है, जैसे 100 यहाँ पर 100 कर दें, ठीक है 100 कर दें, तो रक्त का कितना बूंद हुआ जानते हो, 2 बूंद की ओर, क्या 2 बूंद, अब जान लीजिए कितना कम है। अब पुरुष में एग्जाम में पूछा जाता है पुरुष में कितना होगा, क्या एक अगर हम MC कर दीजिए, माइक्रो ML, क्या माइक्रोलीटर करें, तो पुरुष में कितना पाया जाएगा, तो पुरुष में पाया जाएगा लगभग 55 लाख, क्या लगभग 55 लाख किसमें है, ये आप क्या करिए पुरुष करिए। अब सेम इसको यहाँ महिलाओं में ब्लड कुछ कम पाया जाता है, क्या महिलाओं में ब्लड कुछ कम पाया जाता है। ठीक है, अब और आगे चलिए, शिशु में, क्या शिशु, क्या शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर देखेंगे ना, तो एक ML में, माइक्रोलीटर में कितना पाया जाएगा, 60 से 70 लाख आरबीसी पाई जाएगी, 60 से 70 लाख सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको। अब एक भ्रूण में चलिए, क्या भ्रूण में, इसको याद करने का आप सरल आप तरीका जान सकते हैं, यहाँ पर जब पहुँचेंगे ना तो और ज़्यादा, क्या कम से कम 80 लाख, क्या 80 लाख। तो आप देखिए भ्रूण में 80 लाख, शिशु में 60-70 लाख, महिला में क्या 45 लाख, पुरुष में
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से, क्या आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या, अब कभी ऐसा समय भी आ सकता है, क्या कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या आरबीसी की संख्या कम हो जाए। अब आरबीसी की अगर संख्या कम हो जाएगी ना, तो हो सकता है क्या एनीमिया, क्या एनीमिया हो सकता है, यानी कि रक्त की कमी हो सकती है, क्या रक्त की कमी हो सकती है। को एक शब्द और इसके लिए प्रयोग किया गया है, उसको बोलते हैं एर्थ्रोसाइटोपेनिया, यानी कम हो जाएगा। अब आरबीसी सपोज देख क्या करते हैं, आरबीसी बढ़ जाए, बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो पॉलीसाइथेमिया होगा, क्या पॉलीसाइथेमिया, क्या पॉलीसाइथेमिया, साइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया क्या हो रहा है, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी आपके पास अधिक है तो अधिक बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया हो जाए, कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा, या क्या कह सकते हैं एर्थ्रोसाइटोपेनिया हो जाएगा। अब सपोज दैट आपको एर्थ्रोसाइटोपेनिया हो गया, अरे आपको नहीं मुझे, एर्थ्रोसाइटोपेनिया हो गया यानी कि आरबीसी बहुत कम होने लगी, ठीक है कम होने लगी, तुरंत किडनी है वो बेचैन हो जाएगा। क्यों बेचैन होगा, जब आरबीसी बन ही नहीं रहा है, किडनी बोलेगा जब आरबीसी बन ही नहीं रहा है तो मैं किसको साफ करूंगा, उसका काम है हर साफ करना। अब जिसका देखो जो काम में जिसका मन लग जाता है और वो घर पर आसानी से नहीं बैठ सकता, बस क्या करूं मैं, तो उसी तरह किडनी भी है, वो तो साफ करने का काम है उसको। अब आरबीसी कम होने लगा, बोला किस कैसे कैसे अब मैं रहूंगा, मेरा काम सब खत्म हो गया, जो आरबीसी मुझे कुछ पैसा वैसा देता था वो भी नहीं मिल रहा है, अब आरबीसी ही गायब हो गया, तो तुरंत वो अपनी तरफ से क्या करेगा, प्रयास करेगा और एक प्रोटीन, क्या एक प्रोटीन एर्थ्रो, क्या एर्थ्रो प्रोटीन, एक तुरंत कह सकते हैं प्रोटीन निकालेगा, क्या प्रोटीन नहीं हार्मोन्स कह सकते हैं, एर्थ्रोपोइटिन को क्या कह सकते हैं, एर्थ्रोपोइटिन हार्मोन्स, हार्मोन्स निकाला और हार्मोन्स के माध्यम से क्या भेजा, तुरंत संदेश भेजा, कहाँ के पास निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, बोन मैरो के पास, कहाँ भेजा एर्थ्रोपोइटिन, किस कौन बना रहा है कह सकते हैं किडनी, किसके पास संदेश भेजा, बोन मैरो के पास, बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है बोन मैरो से, बोन मैरो आरबीसी का उत्पादन करो, बोन मैरो आरबीसी का उत्पादन करो। बोन मैरो कहता है ठीक है उत्पादन करता हूँ, क्या उत्पादन करता हूँ। अब आप बताइए कि आरबीसी का उत्पादन एक मिनट में कितना होता है, एक सेकंड में कितना होता है, क्या एक मिनट में कितना होता है, एक सेकंड में कितना होता है। अब देख लीजिए एक सेकंड में, क्या एक सेकंड में बोन मैरो अगर आरबीसी का उत्पादन करता है तो एक सेकंड में 17 मिलियन, क्या 17 मिलियन आरबीसी बनाता है एक सेकंड में, क्या 17 मिलियन आरबीसी का उत्पादन करता है। अब अंदाज सकते हैं कि बोन मैरो किस तरह खच खच खचा खच खचा खच आरबीसी बना रहा है, क्या खचा खच आरबीसी बना रहा है। अब निर्माण की बात आई है तो हम लोग क्या निर्माण को भी देख लेते हैं, क्या निर्माण की बात आई है तो हम लोग आरबीसी के निर्माण पर भी क्या थोड़ा प्रकाश डालते हैं और उस प्रकाश के सहारे हम लोग क्या जो भी ज्ञान मिलेगा उसको हम लोग ले लेंगे। चलिए क्या निर्माण को देखना है, सामान्य जानकारी लगभग हो गई है तो निर्माण को देखते हैं। जब निर्माण होता है किसका, आरबीसी का, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एर्थ्रोपोइसिस, क्या एर्थ्रोपोइसिस, क्या निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एर्थ्रोपोइसिस। ये शब्द ही याद रखना है आपको, एर्थ्रोपोइसिस, एर्थ्रोपोइसिस, अभी एर्थ्रोपोइटिन देखा हम लोगों ने, क्या एर्थ्रोपोइसिस, निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एर्थ्रोपोइसिस, ठीक है। अब निर्माण कहाँ कहाँ होता है इसको देख लीजिए, ये जब जैसे भ्रूण
बना ही क्या भूण बना, कुछ हफ्ते का हो गया भूण, क्या भूण कुछ हफ्ते का हो गया। हफ्ता तो जानते हैं ना, हफ्ता हफ्ता नहीं, हफ्ता नहीं देंगे, हफ्ता नहीं लेंगे, ये वाला हफ्ता नहीं है, कुछ हफ्ते में। तो किसके निर्माण, किससे निर्माण होगा? जो भूण के किनारे किनारे झिल्ली होती है ना, उससे आरबीसी का निर्माण होता है। क्या झिल्ली से, झिल्ली क्या हो गया मैंने बता दिया आपको, क्या ऐसे झिल्ली है और इसमें भूण है, ठीक है, कुछ हफ्तों में। अब उसके बाद क्या होगा, एक दो हफ्ता बीत गया, क्या एक दो हफ्ता बीत गया। अब एक दो हफ्ता जब बीत गया या दो चार हफ्ता बीत गया, अब भ्रूण का क्या कुछ अंग बन गए, जैसे लीवर बन गया, स्प्लीन बन गया। अब जब लीवर स्प्लीन बन जाता है तब निर्माण कौन करेगा, अब लीवर जो है, लीवर तथा स्प्लीन आरबीसी का निर्माण करने लगेंगे, क्या आरबीसी का निर्माण करने लगेंगे। और जब तक पेट में रहेगा ये बच्चा तब तक यही अंग क्या करेंगे, आरबीसी का निर्माण करेंगे। अब क्या हुआ, अब जन्म हो गया, क्या बच्चे का जन्म हुआ, सोहर गाने जाने, सोहर गाया जाने लगा। सोहर जानते हैं ना, नहीं जानते तो उसको लड़कियां स्पेशली अपने घर में जाएं, मामा से पूछें या गांव में पूछें कि सोहर क्या होता है, और अगर चाहें कि हाँ सोहर एक हमारी संस्कृति है, परंपरा है, तो उसको आप कापियों में क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, जिससे वो समाज के लिए आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं जन्म। अब जन्म के बाद क्या, जन्म के बाद शुरू हो जाता है बोन मैरो। अब बोन मैरो हम लोग, हमने बताया है आपको, बोन मैरो ने बताया है कि ऐसे आपका क्या है, हड्डी है, और इसमें ये जो खोखला भाग होता है वहाँ पर मैट्रिक्स होता है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। इससे निर्माण होता है, क्या इससे निर्माण होता है, ठीक है। अब निर्माण का बात हो गया तो नष्ट भी होता है, इसका भी बात कर लें, क्या नष्ट भी होता है इसका भी बात कर लें, चलो इसका भी बात कर लेते हैं। अब केवल बोन मैरो आएगा तो आपको बोन मैरो केवल नहीं लगाना है, भ्रूण के बच्चे का बता दिया कि झिल्ली होती है जो बाहरी उससे निर्माण होता है लीवर। अब निर्माण हो गया तो नष्ट की बात कर लें, क्या नर्स की, यानी कि नष्ट भी तो होगा, सामान सी बात है, क्या नष्ट नहीं होगा, होगा। अब इसका जो जीवन होता है ना 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद ये क्या, 120 दिन के बाद ये कहेगा बहुत हो गया, इतना मैं नहीं जीवित रह सकता, और भागेगा वहाँ से, क्या वहाँ से भागेगा और पहुँचेगा स्प्लीन के पास, क्या स्प्लीन के पास, कहेगा स्प्लीन स्प्लीन तुमने बहुत पहले मेरे मदद की थी उत्पादन में, तो तुमने ही पैदा किया है तो तुम ही अब मुझे लेकर चलो। तो स्प्लीन कहेगा ठीक है, कोई साथ नहीं देगा तो हम तो देंगे ही, तो यहीं पर उसको जमा कर लेता है। तो इसीलिए बोलते हैं ग्रेव यार्ड, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान है वो, क्या आरबीसी का कब्रिस्तान है, ठीक है। अब स्प्लीन, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्रीहा बोलते हैं, क्या प्रीहा बोलते हैं। तो वहां पर एक स्प्लीन, स्प्लीन में एक कोशिका पाई जाएगी, क्या कोशिका पाई जाएगी जो ये काम करेगी। उस कोशिका का नाम है रेटिकुलो एंडीथेलियम, क्या थेलियम, रेटिकुलो एंडीथेलियम, रेटिकुलो एंडीथेलियम जो कोशिका है, इसमें फैगोसाइट, क्या फैगोसाइट कोशिका भी होती है, क्या फैगोसाइट कोशिका भी होती है। तो फैगोसाइट जो कोशिका है वो क्या करती है, विघटन का कार्य मुख्य रूप से वही करती है, क्या विघटन का कार्य वही करती है। जैसे अब एक तत्व है इसमें पाया था ग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन का जो आधा तत्व है ग्लोबिन, क्या और एक कह सकते हैं प्रोटीन ही है ग्लोबिन, और एक है हीमेटिन, क्या हीमेटिन, हीमेटिन। अब इसका क्या होगा, इसका विघटन कौन करेगा, रेटिकुलो एंडीथेलियम की जो फैगोसाइट कोशिका है वो करेंगी, और विघटन करके क्या उत्पाद बनेगा, उप उत्पाद क्या है, बिलरुबिन है, क्या बिलरुबिन है और बिलवर्डिन है, क्या बिलवर्डिन है, ठीक है, ये उप उत्पाद बनेंगे। अब आपको पता लगाना है कि बिलरुबिन का रंग क्या होता है और बिलवर्डिन का रंग क्या होता है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। आप देखेंगे ना ये जो क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, या कह सकते हैं नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं, कौन आरबीसी।
तो इस क्रिया को आरबीसी का जो नष्ट होना है उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या? हीमोलाइसिस। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस जो है ये प्रति सेकेंड, क्या, एक सेकेंड में कम से कम 2 लाख आरबीसी को क्या करता है, नष्ट करता है। हीमोलाइसिस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 लाख आरबीसी हम लोगों ने देखा, क्या उत्पादन कितना होता है, तो उसके तुलना में तो बहुत कम है, क्या उसके तुलना में बहुत कम। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, कार्य भी देख लेते हैं, क्या आरबीसी का कार्य क्या है, क्या आरबीसी का कार्य क्या है इसको भी देख लेते हैं। अब पहला ओटो, क्या पूरे शरीर में ओटो को ये पहुंचाएगा, क्या पूरे शरीर में ओटो को क्या करेगा, पहुंचाएगा, और क्या करेगा, फिर पूरे शरीर से सी ओटो को लाएगा, ठीक है, ये दो काम करा, और क्या करेगा, ये जो है पोषक तत्वों को जो भी आपने खाया, कुछ भी खाया, क्या कुछ भी खाया, आपने खाया दवा, अंदर गया तुरंत, ब्लड में गया, ब्लड से पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया, जल्दी से आराम हो गया, तो ये भी काम पोषक तत्वों को भी पहुंचाता है। और आप का टेम्परेचर, शरीर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, समन्वय करता है, कि आपका टेम्परेचर पूरे शरीर का क्या रहे, समान बना रहे, क्या पूरे शरीर का टेम्परेचर समान बना रहे, तो मुख्य रूप से परिवहन ही इसका कार्य होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें देखेंगे WBC। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।